नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंशित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय जम्मू कश्मीर में पावर क्राइसिस चल रहा है और बिजली ना होने के चलते पानी की भी समस्या जो है वो पैदा हो चुकी है। आज सुबह आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी प्रदर्शन किया है और जानकारियां ये मिल रही हैं कि अगर जल्द ये स्थिति सही नहीं हुई तो आने वाले दिनों में जो आम जनता है वो भी सड़कों पर उतर सकती है। इस समय हमारे साथ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटरा के प्रधान राकेश बजीर जी हैं। ये आज जो जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उनके एमडी और चीफ इंजीनियर से इन्होंने बातचीत की है और क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या कुछ उन्होंने इन्हें बताया है बिजली क्राइसिस को लेकर, इनसे बातचीत करेंगे और इसके अलावा भी कुछ और मुद्दों पर भी इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर स्वागत है आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या टेलीफोनिकली बातचीत हुई है और क्या कुछ उन्होंने कहा? हाँ, देखें, आज जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और उनके चीफ इंजीनियर के साथ एक डिटेल में डिस्कशन हुई है और मैंने उनको बताया कि ये सबसे पहले, उससे भी पहले ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ये पावर क्राइसिस चल रहा है, क्या कटरा में भी वैसी स्थिति है? लंबे लंबे कट कटरा में भी हो रहे हैं? हाँ, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि कटरा जो है वो हमारे JNK का फेस है और पूरे हिंदुस्तान से वहाँ पे लोग आते हैं और आज की डेट में परिस्थिति ये है कि वहाँ पे भी पावर क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है और कटरा से लेकर भवन तक सारे के सारी लाइटें हर एक एक घंटे के बाद, दो दो घंटे के बाद, दो दो घंटे, एक एक घंटे का कट चल रहा है। तो कटरा को देखते हुए, रियासी को देखते हुए और इन सारे एरियाज़ को देखते हुए चीफ इंजीनियर और MD जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मेरी उनसे बात हुई और मैंने सबसे पहले तो उन्हें इस पावर क्राइसिस के बारे में अवगत करवाया और उससे ज़्यादा फिर मैंने उनको कहा कि साहब, हमारे यहाँ पिलग्रीमेज और टूरिज़्म का हब जो है वो वैष्णो देवी है और आज की डेट में परिस्थितियाँ ये बन गई हैं कि वहाँ पर पावर के इतने कट चल रहे हैं और आज अगर यही कट्स का अगर आलम रहा तो आने वाले दिनों में ये एडवर्सली अफेक्ट करेगा हमारी पिलग्रिमेज को, टूरिज्म को और ये एक बहुत गलत बात है और सर इसके ऊपर आपको कुछ करना चाहिए और ये जो है पावर क्राइसिस को इसे दूर करना चाहिए। और जो कटरा में कभी, खास करके वैष्णो देवी और जो है उधर, कभी पावर कट्स नहीं होते थे तो मैंने उन्हें कहा कि साहब ये पावर कट्स नहीं होने चाहिए, इससे बहुत एक नेगेटिव मैसेज। आपने कहा कि आपने उन्हें अवगत करवाया, अवगत तो वो पहले के होंगे क्योंकि जिस तरह से खबरें चल रही हैं कि पावर क्राइसिस चल रहा है। बहुत अच्छी बात की आपने, आज की डेट में हर एक आदमी हर एक चीज़ जानता है मगर आज के दौर में और हमेशा के दौरों में ही ये रहा है कि आपको उन्हें फिर बताना पड़ता है कि साहब ये प्रॉब्लम है, पब्लिक तकलीफ में समस्या से जूझ रही है। वो पब्लिक जब तक नहीं बताएगी तो शायद वो नहीं समझ पाएंगे और कोई हल भी नहीं निकालेंगे। बिल्कुल सही बात है और उन्होंने इस चीज़ को समझा है और उन्होंने कहा है कि साहब जल्दी ही विद इन डेज ये जो पावर क्राइसिस से इससे हम निपट पाएंगे। और वैष्णो देवी से मुतल्लिक जो मैंने उनसे बात बताई थी तो उन्होंने उसके बारे में भी कहा कि ये जो है ये मसला नहीं रहेगा और हम जो वहाँ पे जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चलती थी उसे हम फिर दोबारा रिस्टोर कर गए, ऐसा उनका कहना था। क्राइसिस क्यों है, कुछ समझने की उन्होंने कुछ बताया है आपको कि क्राइसिस क्यों ये पैदा हुआ? देखें, उसके बारे में मैं ज़्यादा गया नहीं क्योंकि अगर मैं खुद ही उन्हें पूछता कि जनाब क्राइसिस है क्या, तो वो मुझे इतनी लंबी कहानी बताते हैं कि 15 मिनट के बाद मैं कहता सर कि चलो बहुत अच्छा कह रहे हैं। तो मेरा तो कहानी ये है कि साहब सरकारें या जो जितना भी है, पब्लिक की इस वक्त ग्रीवियंस है, लोग त्रासदी में हैं, सब कुछ उन्हें प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वक्त पावर क्राइसिस पर बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना चाहिए और खास करके जो हमारा जो पिलग्रिमेज सेंटर है और यहाँ पे सारी इस वक्त आप देख रहे हैं यात्री, कोई यूपी से, बिहार से, कोई कहीं, कोई सराय में ठहरा है, कोई आदमी कहीं ठहरा है, तो उसके ऊपर और बाकी गांव में हमारे के बेचारे आप देखो, बच्चे हैं, उनके एग्जाम हैं, किसी का कुछ है, तो इस पावर क्राइसिस से मुतल्लक आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी था और अगर इस पर कोई हल नहीं निकला तो उनके आश्वासन पर आप आश्वस्त हैं हल होगा, स्थिति बेहतर होगी आने वाले कुछ दिनों में? हाँ, मुझे लगता है होगी, मुझे लगता है बिल्कुल होगी। उनके हाथ में ये कहा जा रहा है कि ये मामला नहीं है, नॉर्दर्न ग्रिड में ही वहाँ से सप्लाई जो है वो नहीं हो रही। देखो, कहानी ये है कि ये सारी बातें जो है ना जी, नॉर्दर्न ग्रिड कोई चांद पे तो है नहीं, आज की डेट में सरकार को उनसे बात करनी है। नॉर्दर्न ग्रिड भी सरकार के अंदर, इधर भी एक सरकार चल रही है। राकेश जी, अच्छे दिनों की जो बात हुई थी लेकिन स्थिति जो है बिकराल होती दिख रही है क्योंकि अब जो लोग गुस्से में भी दिख रहे हैं, उन्होंने कुछ देर इंतज़ार किया कुछ दिनों तक लोगों ने, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों का गुस्सा बाहर भी आता हुआ दिख रहा है। अच्छे दिनों की बात थी तो
आपको लगता है कि अच्छे दिनों में ये सब नहीं होना चाहिए, तो भाजपा के अच्छे दिनों? देखें, आज चीफ इंजीनियर साहब को मैंने यही बात बताई और एमडी साहब को भी ये बताई कि जब से आज़ादी आई है आज तक कभी वैष्णो देवी और उस ट्रैक में कभी कट नहीं हुआ, आज ऐसी स्थिति नहीं हुई। अरे सर, आज़ादी के बाद आज तक नहीं हुई। This is for the first time this is happening. ये बीजेपी को भी आप बताएंगे कि उनकी अचीवमेंट ये रही? बिल्कुल बताएंगे साहब। आप कांग्रेस के नेता भी हैं, कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और भी दूसरी पार्टी से आपने चुनाव भी लड़ा था, पॉलिटिकल लीडर भी हैं आप। हाँ। तो ऐसे में इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि भाजपा को डायरेक्ट बताएंगे कि आपके अच्छे दिनों में कटरा में ऐसी स्थिति पहली बार बनी? बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। और देखें, हर एक आदमी को इसे खुद समझना चाहिए, ये बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, बात ये पूरे एक स्टेट की इकॉनमी की है। मतलब आज की डेट में कटरा और इसके आगे पीछे के सारे इलाकों पे पूरी स्टेट की इकॉनमी डिपेंड करती है। और आप सबसे समझ सकते हैं कि कितना आदमी, मतलब लाखों में आदमी इस पे के रोजगार उनका टिका हुआ है। आज की डेट में अगर 2 साल यात्रा बंद हो गई तो लोगों को फाका के शिकिनों को बता गई थी, और अगर ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये फिर दोबारा उसी सिचुएशन पे हम पहुंच जाएंगे। और यही बातों से मैंने अवगत करवाया है और मुझे लगता है कि चीज़ों का हल होगा, और नहीं होगा तो फिर सड़कों पर भी आएंगे, इसमें हम ग्रेस करने वाले। अभी जो टूरिस्ट होटल्स में ठहर रहे हैं तो क्या एसी नहीं चल पा रहा है, पंखा नहीं चल पा रहा है, ऐसी स्थिति आ गई है या अभी स्थिति कंट्रोल? नहीं नहीं, अरे उससे बदतर स्थिति है। एक आदमी अंदर जाता है और बेचारा कि देखें, गरीब आदमी, होटल का नाम भी खराब होता है, होटल का नाम खराब होता है, और होटल छोड़ दें, सराय, धर्मशाला, आदमी आप उधर जाएं हमारे रेलवे स्टेशन में, आपको खुले मैदान में लोग के लेटे हुए मिलेंगे, कहीं पंखा होता था, कहीं कुछ होता था, तो वो तो सारी चीज़ें ही चली गई ना। तो वो एक बहुत ही इस वक्त गंभीर स्थिति है, और मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब तक इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस क्राइसिस का जितनी जल्दी हम हल कर सकेंगे, ये हम सबके लिए बेहतर। चलिए, नया जम्मू कश्मीर बनाने की जो बात थी उसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि मौजूदा समय में बड़े बड़े पावर कट्स जो हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। एक भाषण के दौरान एक बयान बाबू जगजीवन लाल जी, जो कि पूर्व मंत्री हैं और मौजूदा डीडीसी मेंबर हैं, आपसे बातचीत भी हो रही थी, उन्होंने बंसीलाल कोहस्तानी जी के बारे में, जो पूर्व मंत्री, माफ़ करिएगा, पूर्व एमएलए और पूर्व एमएलसी रहे हैं, उनकी प्रतिमा जो लगाई गई थी बमाग में, उस पर उन्होंने कुछ बयान दिया था। जो एनजीओ है पांगन देव कमेटी, उन्होंने आपत्ति उस पर जताई थी, आप भी उनके परिवार के सदस्य हैं, तो आप भी क्या उस पर आपत्ति जता रहे हैं और क्या आपत्ति थी, पर्टिकुलर किन शब्दों से आपको आपत्ति थी? देखें, बहुत ही शर्मनाक बात है ये, और मैं इसकी भरपूर निंदा करता हूँ। देखें, आज की डेट में इस बात को समझना चाहिए, ये जितने पुराने लीडर थे, चाहे ऋषि कुमार कौशल जी थे, चाहे बंसीलाल कोस्तानी जी थे, ये जितने पुराने लोग, ये सेंटली लोग थे, मतलब इन्होंने पूरी पूरी जिंदगी जो है समाज सेवा में दे दी। आज अगर आप बंसीलाल कोस्तानी साहब की बात करें तो मैं चाहूंगा थोड़ा बता दे, जो नई जनरेशन उन्हें नहीं जानती है उन्हें भी मालूम चल सके थोड़ा उनके। मैं आपको बाद में बताना चाहता हूँ वही, कि दुनिया को पता चले बंसीलाल कोस्तानी डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर थे, और यहाँ किसी को अगर चपरासी की नौकरी मिले वो नहीं छोड़ता, उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर की नौकरी छोड़ी और समाज सेवा में आ गए। उसके बाद इलेक्शन लड़ी, एमएलए बने, मिनिस्टर बने, उन्होंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का ओहदा, आप जब कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो मंत्री बने, उसके बाद एमएलसी बने, और पूरी जिंदगी उन्होंने दे दी। और आज समय जो सेक्रेटरी उन्हें मंत्री, हाँ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो होता था उसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक होता था, तो वो उन्हें वो रहे, और उसे छोड़ दो। उसके अलावा अगर आप कहीं ऊपर चले जाएं, हमारी डिस्ट्रिक्ट देख लें, पूरे भमाग एरिया में देख लें, जिस दिन ये स्टैचू लगा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, मार्च महीने में, पिछले महीने ये स्टैचू, पिछले महीने, पिछले महीने में मार्च में स्टैचू लगा, और बड़ी अच्छी बात ये है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सरब सिंह नाग जी बीजेपी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन, बलवंत सिंह मनकोटिया जी पैंथर पार्टी और आम आदमी पार्टी के, जुगल किशोर शर्मा जी कांग्रेस, सरदारी लाल दुबे जी कांग्रेस, आपके अगर कई, मैं सरपंचिस की ही बात लूं तो भी मौजूद, अरे मैं तो था ही, सरपंचिस कितने, मतलब आप देखेंगे शवाना मैडम, रेखा शर्मा, फिर उसके बाद तीर्थ राम, फिर श्याम शर्मा, सुजीत कुमार, फिर उसके बाद दुनिया भर के कुछ 10 वहाँ पे यानी सरपंचिस पंचिस और दुनिया भर के लोग वहाँ पे आए थे, और वहाँ पे उनका स्टैचू लगाया गया। सबसे पहले नंबर तो मैं जगजीवन लाल जी को बताना चाहता हूँ कि ये उन लोगों की मोहब्बत है और उन लोगों का प्यार है, और जब भाषण हुआ
तो सरफ सिंह नाग जी ने, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ वो बंसीलाल कोहस्तानी जी का बनाया हुआ है, ये उन्होंने कहा। बाकी सारे लोग उधर उनका जो कह रहे थे, और कहने की ज़रूरत नहीं है, मोहब्बत झलकती है कि आज की डेट में उन्होंने क्या क्या उधर कहा। मगर एक आदमी, पहले नंबर तो वो ये कहते हैं कि जनाब हमने उनके फैमिली के मेंबर से पूछा कि कटरा में जनाब लगाना चाहिए था, और उन्होंने कहा कि कटरा में ज़मीन बड़ी महंगी है, और फिर जो लफ्ज़ बोले, और मैं उन्हें लफ्ज़ को भी नहीं बोलना चाहूँगा, इतने घटिया लफ्ज़ उन्होंने बोले कि जनाब उधर टांगा और ये और वो किया, और कि पहले नंबर तो मैं सारी दुनिया को और जगजीवन लाल जी को भी कहना चाहता हूं कि साहब उनके फैमिली के हम भी सदस्य हैं, और अगर कोई आदमी कटरा में लगाना चाहता है इंक्लूडिंग जगजीवन लाल जी, तो जगह जब चाहें जितनी मर्जी कॉस्टली हो हम देने के लिए तैयार हैं। पहले नंबर तो झूठी बात करना बिल्कुल गलत है। अगर किसी आदमी ने, अगर किस आदमी से उन्होंने बात की कि जनाब कटरा में आप लगाना चाहते हैं, वो वहाँ के सारे लोगों की एक मोहब्बत है और प्यार है जो उन्होंने उसको वहाँ पे लगाया, हमको भी बुलाया, हम भी उधर गए, सारी दुनिया उधर गई, और इस तरीके का व्यवहार और इस तरीके की जो बात करना, और फिर ऐसे लफ्ज़ों का प्रयोग करना, और ऐसे लीडर के लिए आपने तो मुझे बात की, यहाँ तो रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि उनके पिताजी का लगना चाहिए था, ये अच्छी बात है, और उनके पिताजी का एहतराम उनसे ज़्यादा हमें है, और वो ग्रेट आदमी थे। और आपको बड़े मजे की बात बताऊं, मेरे मामा जी ठाकुर रंजीत सिंह जी ने इलेक्शन लड़ी और उसमें जगजीवन लाल जी ही उनके सामने थे, मेरे पास आज भी फोटो मौजूद हैं, सारी इलेक्शन में उन्होंने कंपेन ठाकुर रंजीत सिंह जी की और उनके साथ वो चले, वो कांग्रेस की टिकट पर ही इलेक्शन लड़े थे, मात्र थोड़े से वोटों से हारे, तो वो ग्रेट आदमी थे और उनका लगना चाहिए, और बहुत हम उसकी सपोर्ट करते हैं। मगर आप कहें कि जनाब उनका लगना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी किसी का लग रहा हो तो आप उनको गालियां निकालना शुरू कर दें। और आपको ये भी सीखना चाहिए कि साहब आज बीजेपी, कांग्रेस, पैंथर, सारे इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, आज अगर फारूक अब्दुल्ला साहब को भी पता होता ना, और उनको इंटीमेशन दी होती कि साहब उनका स्टैचू लग रहा है, अगर नहीं वो आते तो मुझे वो कोई कहते, मगर एक आदमी उसके बारे में ये कहे कि वो सारा मुंड उठा के ऊपर गए और उधर उन्हें के चीड़ के साथ टांग दिया, ऐसे लफ्जों पे तो शर्म आनी चाहिए। और मैं कमेटी एनजीओ है वो, उनके तमाम लोग भी इसका विरोध जता रहे हैं, आपकी बातचीत हुई है उनसे? देखो मैं तो जैसे आप ही से बात कर रहा था, तो पांगन देवता डेवलपमेंट कमेटी जिन्होंने वो लगाया और सारे भमा के लोग, जैसे आप ही बता रहे थे कि वो भी इसका विरोध कर रहे थे, और वो भी आपके माध्यम फोन कॉल आया, उनका फोन कॉल आया, और उनकी मोहब्बत तो आपको इस बात से झलक जाएगी कि जहां वो पोस्ट चढ़ा है और कितनी गालियां निकाली हैं लोगों ने इसके अगेंस्ट, कि आपने कोहस्तानी जैसे साहब जैसे अजीम शख्सियत के लिए जो लफ्ज़ बोले हैं वो काबले बर्दाश्त नहीं हैं, और अगर आप उस पोस्ट को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लोगों की मोहब्बत उनसे मुतल्लिक क्या है। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही, चूँकि आपने तो एक बात को छेड़ दी तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, नहीं तो मैं सोचता कि क्या बोलना है, क्योंकि अगर आप किसी से मुतल्लिक बोलो भी तो लगता है, मगर इस जगह बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब झूठ पे मबनी, देखें पॉलिटिक्स हमने भी की है, आज की डेट में मेरे घर से मेरी दादी जी, मेरे ताया जी, मेरे मामा जी, सारे लोग, मेरी अगर आज अगर 47 साल की उम्र है उसमें से 23 साल लोग तो एमएलए एमएलसी मिनिस्टर रहे, और मैं भी आज के 2 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, 1 पार्लियामेंट लड़ चुका हूँ, असेंबली लड़ चुका हूँ, सारी दुनिया को कि हम जानते हैं, मगर पॉलिटिक्स में आदमी को अपनी शब्दावली को कभी भी इतना नीचे नहीं गिराना चाहिए कि लोग आपके अगेंस्ट हो जाए। इंटेंशन, नीयत गलत थी या शब्दों का सिलेक्शन गलत था, क्या लगता है आपको? देखें जो मुझे लगता है, मुझे ये लगता है कि हम पॉलिटिक्स में कई बार, देखिए हमने भी पॉलिटिक्स दी है, ऋषि कुमार कौशल साहब यहाँ से बीजेपी से लड़ते थे, और कोहस्तानी साहब जो है वो यहाँ पे कांग्रेस से, कई बार वो जीतते थे, कई बार वो जीतते थे, मगर होता ऐसे था कि अगर कौशल साहब अगर यहाँ से चलते थे और हमारा घर रास्ते में आता था तो वो फोन करते थे कि मैं आ रहा हूँ, ब्रेकफास्ट इकट्ठे करके उधर से इकट्ठे निकलते थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिक्स तो उसे कहते हैं, पॉलिटिक्स ये थोड़ी है कि आप अपने 4 वोटों के लिए आप किसी को गालियां निकालना शुरू कर दें, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, और मैं ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं उनसे करता था, पता नहीं किस तरीके से उन्होंने बोला, मगर जो भी बोला अगर पॉलिटिकल एंगल से, मैं तो समझता हूं कि वो सोच रहे होंगे कि इससे कुछ है को के, पता नहीं क्या उन्होंने सोचा होगा, मेरी समझ से बाहर है, मगर ऐसा नहीं। अब आप क्या मांग कर रहे हैं, क्या
शब्दों को वापस लेने की, माफ़ी मांगने की, अफसोस व्यक्त करने की मांग ये एनजीओ या फिर आप कर रहे हैं? देखें बड़ा सिंपल ये है कि हम उनसे, उसका तो आपने जो पोस्ट चढ़ा है ना उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो लोगों ने कहा है कि जनाब आप भमाग में आएंगे तो हम देखेंगे। देखिए ये मेरी लड़ाई नहीं है, वो मैं जब ऐसी शख्सियतें जो है ना जी वो हमारा परिवार का कहना गलत है, वो सबके परिवार है, मतलब आज वो भमाग के हैं, वो कटरा के हैं, वो रियासी के हैं, तो इसलिए मुझे कुछ नहीं, वो तो पब्लिक उस पर उनका रिएक्शन आ रहा है, पब्लिक उसे देख रही है और पब्लिक उस पर रिजेंटमेंट दे रही है। इसलिए राकेश वजीर तो बहुत छोटा इंसान है। देखिए मैं तो सिर्फ आपने एक बात की तो उसमें मेरा जो पब्लिक का रिएक्शन था वही मेरा रिएक्शन है और एक झटके में। आपने अगर उसमें अगर पोस्ट में देखें, कुछ एक आदमी ने कहा है पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए अगर ऐसे बयान देने हैं, कुछ एक ने बहुत बुरे लफ्ज बोले हैं जो नीचे लोगों के कमेंट्स आए हैं, तो मैं तो इतने बुरे लफ्ज भी नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हम एक समाज में रहते हैं, यहाँ हमें एक दूसरे के साथ, आज की डेट में अगर उनके पिताजी का स्टैचू लगता है राकेश वजीर पहला आदमी होगा जो वहाँ जाएगा और उसमें अपना कंधे से कंधा मिलाएगा और वहाँ पे उनके साथ खड़े होके उसे लगाएगा, क्योंकि ये जो पुराने लोग हैं ये सबके हैं, एक के आदमी के नहीं हैं। अगर मैं कहूँगा कि वो उनके हैं, कोस्तानी साहब मेरे हैं, ऋषि कुमार कौशल साहब उनके घर के हैं, अरे साहब आज अगर कोई आदमी कहेगा कि कोस्तानी साहब या ऋषि कुमार कौशल साहब उनके फैमिली के हैं, वो पूरे रियासी के हैं, पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो इस तरीके से आज जो मेरा अब्रप्ट रिएक्शन आया है वो भी इन वजह से आया है कि ये किसी भी लीडर को, ये तो छोड़ दो जगजीवन लाल जी की बात है, किसी भी लीडर को कभी भी बोलने से पहले अपने शब्दों का जो है ना जी वो ज्ञान और उस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी उन लोगों के लिए जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। देखिए जब तक वो जिंदा थे राजनीति में बयानबाजी चलती है, वो दे रहे हैं, वो दूसरा हो रहा है, लोग प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं, मगर एक आदमी ना अब उनके पिताजी हैं, ना हमारे वो कोस्तानी साहब हैं, ना कौशल जी बीच में हैं। पहले उन्होंने कौशल साहब से शुरू की बात और उन्होंने कहा कि उनके ऊपर इतना तांबा लगा दिया, फिर उन्होंने कोस्तानी साहब पर आ गए। तो मतलब आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मतलब हम कौशल साहब को, ऋषि कुमार कौशल साहब को, हालांकि वो मेरे कोस्तानी साहब के अपोजिट रहते हैं, मगर हमें उनका एहतराम उससे ज़्यादा है। आज की डेट में ऋषि कुमार कौशल साहब का स्टैचू लगा तो जब भी मैं जाता हूँ तो उधर नमन करता हूँ मैं। आज अगर कोस्तानी साहब का स्टैचू लगा है तो मुझे क्या नमन करना है? पूरी पब्लिक ने पैसे इकट्ठे करके 10-10, 15-15, 20-20 रुपये इकट्ठे करके, और उधर सारे लोगों ने, हमें तो साहब 4 दिन पहले उस वक्त पता लगा जब उन्होंने कहा कि साहब हम उनका स्टैचू लगा रहे हैं, आपको आना है। ये मोहब्बत होती है। आप अगर कहेंगे कि जनाब किसी को गालियां निकाल के इस तरीके की बात करेंगे, और मैं पांगन देवता देवस्थान ट्रस्ट को, मैंने तो उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, आज की डेट में वो देश, वो कौमें, वो समाज जो अपने बड़े लोगों को याद करते हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे कोई भी है, वो लोग आगे बढ़ते हैं। जो अपने बुजुर्गों का, अपने लीडर्स का एहतराम नहीं कर सकते वो कभी आगे नहीं जा सकते। ये लीडर्स सबके कॉमन होते हैं। आज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हैं, या चाहे आज इंदिरा गांधी जी हैं, या अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी, अगर कहीं अगर मैं उनकी समाधि के आगर से जाऊंगा तो आपको क्या लगता है मैं नमन नहीं करूँगा? क्योंकि वो कौम के नेता हैं। तो इसलिए ऐसे नेताओं पर ऐसी भाषा का प्रयोग करना ये एक अच्छी बात नहीं थी, जिसकी मैं निंदा करता हूँ जी। चलिए, होटल एसोसिएशन की, होटलों की जो स्थिति है कटरा में उस पर भी बातचीत करेंगे, उससे पहले थोड़ी राजनीति की बातें हो जाए। आपने कहा कि आपने विधायक का चुनाव भी लड़ा है, एमपी का इलेक्शन भी आपने लड़ा है, अभी भी आप चाहते हैं इलेक्शन लड़ना, और अगर चाहते हैं तो किस पार्टी से? अभी फिलहाल तो कांग्रेस के आप नेता हैं, लेकिन एक्टिव राजनीति में ज़्यादा नहीं दिखते। समाज सेवा के कार्यों में हालांकि आपको देखा जाता है, लेकिन एक्टिव राजनीति में या फिर कांग्रेस की बैठक में, प्रोग्राम्स में आप नहीं दिखते हैं। तमन्ना है इलेक्शन लड़ने की, साफ तौर पे और ईमानदारी के साथ जवाब दो। देखें, आज मुद्दा कोई और था, आप भले इंसान हैं और उलझाते हैं लोगों को, और अच्छी बात है। आप चेहरे में सवाल के बाद आपके चमक देखने को वो चमक तो चलो अच्छी बात है। देखें, कहानी ये है कि मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था आप चाहते हैं ये सवाल मैं आपसे करूं। देखें, ये आपका बड़ापन है। अब पत्रकार लोग जो है ना जी, वो जब बोलते हैं तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, और आप भी बहुत अच्छा हैं, यू हैव गॉट ए वेरी गुड कमांड ओवर योर प्रोफेशन। तो देखें,
यहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक्टिव पॉलिटिशियन हैं और इलेक्शंस लड़ते हैं। और देखें, उर्दू में एक शेर है कि शायरी रास क्यों ना आए मुझे, ये मेरा फन खानदानी है। तो भाई पॉलिटिक्स तो मेरा खानदानी काम है, तो मैं तो उठता हूँ तो पॉलिटिक्स से और जागते हैं तो पॉलिटिक्स से। बिल्कुल, सिर्फ परिस्थितियों को भांपने की ज़रूरत है। आज की डेट में हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और जब पार्टियों ने और जब पब्लिक ने अगर ये डिसाइड किया कि मुझे इलेक्शन लड़नी है, मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ। इस बार जीतने के लिए लड़ेंगे या फिर सिर्फ शोक के लिए? क्योंकि आपने जो शेर सुनाया है उसका जो मतलब है कि लड़ना है, इस बार क्या जीतने के लिए लड़ना है या फिर वो हर बार यही कोशिश? देखो उर्दू में एक शेर है कि मेरी हिम्मत अभी झुकी नहीं और मेरे शौक अब भी बुलंद हैं, मुझे हार जीत से क्या गरज, मेरी जंग थी मैं लड़ा किया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, पॉलिटिक्स समीकरण का खेल है। इस बार समीकरण का खेल है। देखो आज अगर कोई आदमी ये कहता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लाला शिवचरण जी एक बार 3 बार उधमपुर से जीत गए, हम कटरा में रहते थे, और हमारे दादी जी को कहा कि आप कटरा से उठें और उधमपुर में इलेक्शन लड़ें। लाला शिवचंद 3 बार इलेक्शन जीत गए हैं, और जब हमने उधर जाके मकान किराए पे लिया और कंपेन शुरू की तो सारे हंसने लगे कि जनाब उन्हें उधमपुर के लोग नहीं हरा सके तो ये कटरा से आए हैं। मगर 4 महीने के बाद जब रिजल्ट आया तो साहब लगभग 6,500-7,000 की लीड के साथ, जो आज की 40,000 की लीड के बराबर है, क्योंकि उन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी होती थी। आज अगर आप देखें, एक बार वेब आई थी तो कांग्रेस, जब इंदिरा गांधी डेथ हुई थी उनकी, तो पत्थर भी जीत गए, और पिछली बार जब इलेक्शन हुई तो मोदी टाइम के साहब यहाँ पे भी पत्थर जीत गए। इशारा और निगाहें क्या कह रही हैं आपकी, और इशारा किस तरफ है? क्या आम आदमी पार्टी में तो नहीं ज्वाइन करने वाले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि कोशिश है आपकी, आप चाहते हैं? नहीं, सरकार खंडन करते हैं पूरी तरह से? नहीं, पूरी तरह भविष्य में नहीं जाने वाले हैं या फिर ऑप्शन सारे खुले हैं? नहीं, देखें, मैं आज की डेट में मैं बिल्कुल इस सवाल का जवाब देना भी मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि ऑप्शन खुले रखेंगे। नहीं, ये अभी कोई परिस्थितियां ही नहीं है। और देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, हम चूंकि पॉलिटिकल लोग हैं, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कभी भी दल बदल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, ऋषि कुमार, मैंने एग्जांपल दी, वो ऋषि कुमार कौशल साहब यहाँ से बीजेपी से लड़ते थे और वो कटरा में आके चाय हमारे घर पीते थे और फिर आगे हम इकट्ठे जाते थे। वो कांग्रेस के एमएलए होते थे और वो बीजेपी के थे, दोनों कंटेंडर। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि वो कांग्रेस है और हम बीजेपी हैं, वो आम आदमी पार्टी है तो लड़ना शुरू कर दें। देखें, आज की डेट में हमारे दोस्त मित्र हर एक जगह हैं, तो इसलिए मैं, कोई आदमी आज की, मैं जैसे अगर बीजेपी में ही है तो कितने मंत्री होंगे जो हमारे मित्र हैं, रोज आते हैं, हम बात करते हैं। आप हमारे यहाँ अगर उधर ऊपर ही फंक्शन था तो सरब सिंह नाग जी वहाँ थे, बलवंत सिंह मनकोटिया जी थे, जुगल जी थे, रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आर दी पीपल वर देयर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जब पॉलिटिक्स, हम जब इलेक्शन लड़ते हैं ना जी, तो तब इलेक्शन लड़ते हैं। और जब आपने देखा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं जब जम्मू में और उधर जाता हूँ फंक्शंस, और जब भी सोशल काज कोई होता है, चाहे आपके बन टोल प्लाजा का मसला था कटरा का, हम उठे, और आज की डेट में हमें इस बात की खुशी है कि इतनी परिस्थितियों के बाद भी, टकराव के बाद भी, सीबीआई तक पहुंचने के बाद, हमने उस टोल प्लाजा में कटरा के लोगों के पास बनवाए। आज की डेट में अगर आप यहां से अखनूर जाना होता था तो आपको 72 किलोमीटर जाना पड़ता था। हमें इस बात की खुशी है कि देवा माई के नीचे से 18 करोड़ रुपया सैंक्शन करवाया और अब पुल बन जाएगा। छोटी छोटी बातें, यानी आज अगर इन चीज़ों को आप देखेंगे, आज ही देखें, तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं झंडा उठाऊंगा फिर जाऊंगा। आज अगर मैं एमडी जेपीडीएल से मिला या चीफ इंजीनियर से मिला, तो हम सोशल काम कर रहे हैं जहां पब्लिक की जरूरत हो। और आपने कहा कि अगर ये नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं आज ही आपके माध्यम से बताता हूं कि दिन गिनिए, और आप ही उसके उस प्रोग्राम में होंगे जिसमें हम धरना दे रहे होंगे इनके खिलाफ। हम उन लोगों में हैं। सवाल ये था कि आम आदमी पार्टी में भविष्य में भी आप नहीं जाएंगे या ऑप्शन खुले रखें? देखें, ऐसे क्वेश्चंस का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं कांग्रेस में हूँ, अच्छा हूँ, खुश हूँ, बहुत भविष्य का अभी कुछ नहीं बताएं। अभी नहीं, वो तो ऊपर वाला फ्यूचर प्लानिंग अभी नहीं। देखें, आज की डेट में मैं यहाँ पे हूँ, बहुत अच्छा हूँ, और वो तो ऊपर वाला जानता है क्या होना है। देखें, आज जुगल जी को टिकट मिलती है अगर
कटरा या रियासी, यहाँ से भी चुनाव तो प्रचार करेंगे उनके लिए? देखें, हम तो सपाही हैं, हमें तो यहाँ हम जुड़े हुए हैं, जिस हमारे लिए टिकट विकट, जैसे आपने ठीक कहा कि कभी मेरे लिए टिकट या इलेक्शन कोई बात, क्योंकि हमने पूरी उम्र से इलेक्शन ही देखते आ रहे हैं। और आपने जैसे मुझसे बात की और बहुत अच्छी बात की कि आप मुझे कहोगे कि हमें बहुत शौक है इलेक्शन लड़ेंगे, फिर उसके बाद जनाब वो नहीं है। जब हमें लगेगा, पब्लिक हमें कहेगी कि साहब आपको इलेक्शन लड़नी है, और फिर उसके बाद। लेकिन ये कहा जाता है कि ए लीडर इज वन हु नोस द वे, हु शोस द वे। आप अभी क्लियर ही नहीं है कि चुनाव लड़ना है, क्योंकि सुगबुगाहट जो है चुनावों की वो देखने को मिल रही है, तैयारियां भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं। ऐसे में आप कहीं लेट ना हो जाएं प्रचार में या फिर क्लैरिटी लाने में, तो वो इलेक्शन तो देखें, इलेक्शन तो मौका मिला तो जरूर लड़ेंगे। और अच्छा है, हाँ हाँ बिल्कुल है। देखो पॉलिटिकल आदमी को कांग्रेस से ही टिकट चाहेंगे या फिर कहीं और से भी? जहाँ देखें, ये हाईकमान तय करती है और ऊपर वाले का कर्म है कि सारे इज्जत करते हैं, और वो तो उस वक्त देखेंगे। अभी देखें, आज की परिस्थितियाँ अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन होनी है, मगर इसको सुनते हुए भी हमें 2.5 साल हो गए, और अभी कितनी जल्दी होती है ये भी एक साइन ऑफ वो है, तो देखते हैं क्या होता है जी। चलिए, तो अब होटल्स की जो स्थिति है इस समय कटरा में, क्योंकि एक कोविड का काल भी आया, और उसके बाद क्या अब स्थिति बेहतर हुई है? अब धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर लौट चुका है, और जो नुकसान हुआ था वो काफ़ी हद तक रिकवर लोगों ने कर लिया है, प्रॉफिट हुआ है। अब होटल एसोसिएशन को, तमाम होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को, क्या स्थिति है इस समय कटरा के होटल्स की, और जो नुकसान उस समय हुआ था सरकार की तरफ से जो मदद का ऐलान हुआ था, क्या पहुँची है मदद? देखें, यहाँ तक होटल्स का सवाल है तो हम लोगों ने 2 साल सफ़र किया है, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2 साल पूरे होटल्स बंद रहे हैं। और होटल कोई फैक्ट्री की तरह नहीं है कि यहाँ आप ताला लगाओ घर चले जाओ। होटल में साहब आप मेंटेनेंस, यहाँ पे आपकी लाइटें जलती रहेंगी, आपके सिक्योरिटी वाले, आपका एक एक होटल का 5-5 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपये तो सिर्फ महीने का किराया है सर, और वो चल रहा था। हमारे यहाँ फिक्स चार्जेस होते हैं, बिजली जले ना जले, ना जले आपको वो देने ही देने हैं, वो चलते रहे, तो हमें कोई उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं हुआ है। हाँ, एक दो चीज़ों पे उन्होंने किया था, आपके माध्यम से मैं वो भी कहना चाहता हूँ। मेरी अभी चीफ इंजीनियर से बात हो रही थी, सरकार ने हमें कहा कि आपको जो पानी के किराए हैं वो जो है हम आपको छूट दे देंगे, और 1 साल के लिए वो माफ़ करेंगे। बिजली पानी वालों ने वो भी बिल दे दिए। अब हमें लगता है कि उसके बारे में भी एक कई एजिटेशन होगी कि यार कहते हमारे पास ऑर्डर नहीं आया हुआ। अरे यार, कौन सा ऑर्डर है जब आपके उधर बिल्कुल के असेंबली में और एसएससी में उन्होंने पास करके दे दिया, तो अब कौन सा ऑर्डर चाहिए? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम देखेंगे कि अब इसमें एक लाइन ऑफ एक्शन तय करनी पड़ेगी। मगर होटलियर्स की कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुई है ऐसा हमें लगता नहीं है, और आप कह रहे हैं कि वो उनकी भरपाई अभी 1-2 महीने से काम चला है, और यही मैंने अभी चीफ इंजीनियर साहब को और कल के अखबारों का जो एक हेडलाइन होगी वो यही है कि बड़ी मुश्किल से 2 साल के बाद काम चला है, और आज अगर फिर दोबारा अगर ये क्राइसिस हो गया और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आपकी पिलग्रिमेज एकदम फिर बैठ जाएगी, और उन परिस्थितियों में ये भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाए। पानी की भी समस्या पैदा हो रही है या पानी की सप्लाई फिलहाल ठीक है? अरे पानी की जबरदस्त समस्या है, पानी की समस्या तो वैसे ही है, और जब से पावर आया है तब से तो और हो गई है, तो मतलब ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। और आम के माध्यम से मैं सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर हमें देखें, हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, अच्छी बात है, मगर भाई जी आपके यहाँ पावर ही नहीं होगी तो आएगा कौन? यही बात मैंने कही। उसी के साथ हमारे यहाँ जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आज वैष्णो देवी में जो 1 करोड़ लोग आता है वही कश्मीर जाता है, वही पत्नीटॉप जाता है, वही शिवखोड़ी जाता है, वही नौ देवियाँ जाता है, इतना तो क्लियर है। आज जिस दिन के वैष्णो देवी की यात्रा बंद हुई, आपने देखा होगा कि नौ देवियाँ में भी कोई नहीं दिखा, सियाड़ बाबा में भी बहुत कम लोग हो गए थे। तो इन परिस्थितियों में सरकार को देखना चाहिए कि जिसके ऊपर इकॉनमी हमारी टिकी हुई है, जिस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, अगर हम रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करेंगे, कटरा की बात नहीं करेंगे, तो चलेंगे कैसे? तो ये सरकार को बड़ी जल्दी इसमें एक्शन लेना चाहिए। प्रसाद स्कीम जो है वो भाजपा की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा गया, और भी कुछ चीज़ें कही गई हैं, तो इससे होटल जो सेक्टर है उससे भी फायदा होने वाला है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखें, बहुत दुर्भाग्य है, अच्छा किया भाई आप, बहुत अच्छा, आप एक तो आपसे बात करके इसलिए अच्छा लगता है कि आप रिसर्च करके आते हैं। हमारे यहाँ स्वच्छ आइकॉनिक सिटीज, उसमें केंद्र से 100 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ, और उसमें कौन सी थी? दरबार साहब, कामाख्या जी,
और 3-4 जगह। फिर आया प्रसाद, इसमें 50 लाख रुपया 50 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ। मगर होता क्या है, मैं बहुत फिर दोबारा बात बताता हूँ, नहीं आपको वो सेंक्शन करते हैं और आपको एक स्कीम बना के देनी होती है कि 100 करोड़ तो है मगर लगाना कहाँ है, लैप्स हो जाते। सब इनसे स्कीम नहीं बनी, 100 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। प्रसाद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इन मुद्दों को आप एसोसिएशन के प्रधान हैं, आपको उठाना चाहिए था, ज्यादा आप इन मुद्दों को उठाते हुए नहीं दिखे। अरे सरकार, आप इससे पहले के मेरे जितने इंटरव्यू देखें, जितने मेरी के चीफ सेक्रेटरी से लेकर सब तक मीटिंग्स देखें, मैं ना अगर पावर क्राइसिस ठीक नहीं हुआ तो आप सड़कों पर देखेंगे उस तरह से। देखें अब क्या होता है पॉलिटिक्स में और इस तरीके के क्राइसिस में, आपको सड़क पे आना ही है क्योंकि लोग बचा रहा, जो आदमी जिस बच्चे का कल एग्जाम है वो अगर एग्जाम नहीं दे पाएगा तो वो मर जाएगा। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि आधी रात को अगर किसी आदमी को पथरी की अगर तकलीफ जाग जाए तो आपको हॉस्पिटल पहुँचना ही है और अगर डॉक्टर कहें तो ऑपरेशन भी कराना है। कुछ एक मुद्दे होते हैं कि जिसमें अब ये लोग लैब्स तो करवा चुके, इतने काबिल तो ये हैं ही, अब जब लैब्स करवा चुके तो अब इसके बाद हम उस मुद्दे को हर एक जगह उजागर कर रहे हैं ताकि एक तो उन अफसरों के ऊपर एक्शन हो जिन्होंने उस पैसे को लैप्स करवाया। हमने देखा है कि इन चीजों पर अफसरों पर कार्रवाई होती हुई नहीं दिखती है। एक और मामला है डीडीसी को जो फंड मिलता है वहां पर भी काफी 3 करोड़ के करीब जो रुपए हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के वो लैप्स हो गए क्योंकि बिल पास नहीं हुए। ऐसे डीडीसी मेंबर जो पोनी एक है उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा, विरोध भी इसका, कार्रवाई कोई नहीं होती है, अफसरों को चिन्हित नहीं किया जाता है, कर्मचारी जिनकी गलती है, जिनकी जिम्मेवारी है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको चिन्हित आखिर क्यों नहीं किया जाता? आप भी चाहते हैं कि जिनकी भी गलती हो कहीं ना कहीं छोटी बड़ी कार्रवाई की जाए ताकि देखें, नहीं छोटी बड़ी नहीं, बड़ी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखें इससे बड़ी बदकिस्मती की बात क्या होती है कि हमारे लोग 5-5 लाख रुपए की पुली के लिए हम के अपने घुटने टेकते रहते हैं और 100 करोड़ रुपए आए और आप इसलिए लैप्स करा दो कि आपने स्कीम ही ना भेजें। ये पर्टिकुलर किस स्कीम की बात कर रहे हैं? स्वच्छ आइकॉनिक सिटीज में वैष्णो देवी कटरा के लिए 100 करोड़ रुपया आया था और क्या कार्य होने थे? हाँ बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन, उसमें वैष्णो देवी और कटरा में धार्मिक उसके लिए, जैसे मैं आपको बात बताता हूँ दरबार साहब में यही 100 करोड़ आया, उन्होंने 100 करोड़ रुपया ये लगाया, 50-40-50 करोड़ रुपया और मांगा और अपने पैसे लगाए। और आपने देखा दरबार साहब, अगर आप अभी रिसेंटली गए हों तो आपने देखा होगा कि वो कितना खूबसूरत बन गया है, लाइटें ये वो ऐसा ही काम में खेज हुए हैं। हमारे यहाँ अब 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तो आपको देना था ना कि जनाब इधर लाइटें लगाओ, इधर फवारे लगाओ, हाँ DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो तो आपको ही देनी है ना। अगर आप देंगे ही नहीं अब वो पैसा लैप्स हुआ, हम फिर उसके पीछे लगे हों। वो आया था आपके सोशल रिस्पांसिबिलिटी में, किसी जगह ONGC ने दिया था, किसी जगह SPCL से दिया था, इधर इंडियन ऑयल ने दिया था, हाँ CSR, तो उसमें वो इन्होंने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं दी, वो पैसा खत्म हो गया, अब हम फिर उसके पीछे लगे हैं। मैं तो हर एक आदमी से, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्राइन बोर्ड से मिला, मैंने उनसे करवा रहा हूँ, मैं ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, मैं सबसे बात कर रहा हूँ और उसे फिर दोबारा रिवाइव कराएंगे। मगर ये दुर्भाग्य की बात है ना यार, जब पैसा आया है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दो और एक उसको पैसे को लगवाओ। ऐसे ही आपके प्रसाद स्कीम है, मैं आप कह रहे हैं प्रसाद स्कीम में 50 करोड़ आ गए हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये लैप्स होगा, इसका एक पैसा नहीं लगने वाला है, क्योंकि हम जब मौके पर हम उनको देखें, मैं आपको फिर बताऊं और आपके माध्यम से लोगों को भी बताऊंगा कि साहब काम होते हैं जब आप अफसर प्लान बना के भेजते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टें बना के भेजते हैं, नहीं तो ऐसा कोई पर भी ये नहीं है कि कोई आदमी एक अटैची आपको देगा, ये जनाब 100 करोड़ रुपया पड़ा है, हाँ आप उसे ले जाओ और जहां मर्जी है उधर लगा दो, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है और ये नाकाबली है। आपने अगर प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि पूरा हिसाब लिया जाएगा, जब शुरू में उनकी सरकार आई तो आप ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों की अधिकारियों की गलती से ये हुआ? बिल्कुल, इसमें तो दो राय ही नहीं है। आपने मालूम किया कि कहां पर चूक हुई है, कहां पर गलती हुई है, क्यों आखिर उन्होंने ये DPR जो है नहीं बनाई थी? देखें अब इस ये तो एक बड़ा वो कहते हैं ना, मैं तो वो उर्दू में एक शेर भी है उस पर गाना भी, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए, यहाँ तो हम वैसे ही गमगीन है इस मुद्दे पे कि यार 100 करोड़ रुपये हमारा चला गया, 50 करोड़ रुपये प्रसाद में जाने वाला है, तो हम के किन किन ऑफिसर्स में है ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ना, गवर्नमेंट को एक कमेटी बैठानी चाहिए। और अगर आप 4 ऑफिसर्स पे एक बार एक्शन लेंगे
उन्हें सस्पेंड करेंगे, दोबारा किसी की हिम्मत है कि वो पैसा वापस चला जाए, मगर एक फ्री फॉलर चल रहा हो जब, तो फिर इस तरीके का होता है तो ये अच्छी बात नहीं। एक वन स्टॉप भी बनाया जा रहा है, यहाँ पर ट्रेन भी कही जा रही है, बसेस भी कही जा रही हैं और हेलीकॉप्टर या फिर तमाम चीज़ें एक ही स्टॉप बनेगा, उसकी जानकारी आपको है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखें वो डेवलपमेंट जो है वो अच्छी चीज़ है, और चूंकि अभी उसकी पूरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई नहीं है और अभी वो बहुत सी चीज़ों में अभी उसमें टेक्निकल स्नाग्स हैं। कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये जगह नेशनल हाईवे अथॉरिटी को देनी थी, और रेलवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी और कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच में एक एग्रीमेंट होना था। अभी वो चीज़ें पाइपलाइन में हैं, उनकी पहले एक अलाइनमेंट आ रही थी जो सीधी रेलवे स्टेशन मिल रही थी। आप इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं? नज़र, क्योंकि सीधे आपको क्या लगता है कि इससे फ़ायदा होगा? देखो कहानी तो यह है, आप तो कहते हो नज़र, और मैं तो ये भी जानता हूँ कि पहली अलाइनमेंट क्या है और बीच में जो टेक्निकल स्नैक की वजह से अब अलाइनमेंट अब क्या हो रही है किस तरह। हाँ तो वो सारी देखें, हम लोगों का काम ही यही है, इससे फायदा होगा होटल सेक्टर को या फिर आम लोग। देखें आज एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है, आज अगर के आपका सारा अगर जो डेवलपमेंट हो रही है उसका फ़ायदा तो यकीनन होता है, वो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है, मगर देखते हैं कि ये तकमील तक कब पहुँचता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा खदशा है कि ये जो तीन एजेंसीज हैं ना इनका आपस में ये मिल पाए। हाँ क्योंकि मुझे लगता है मुश्किल है कि अब दिल्ली से कटरा जो नेशनल हाईवे बन रहा है बाय अमृतसर जो होकर निकलेगा, उस पर अभी प्रधानमंत्री से भी उद्घाटन करवाया गया, उससे क्या लगता है कटरा की दिशा और दशा भी बदलेगी? बदलेगी। कितने 6 घंटे का दावा किया जा रहा है, लगभग कितना 7-8 घंटे? 8 घंटे का दावा किया जा रहा है, मगर देखें हम उन लोगों में हैं जो चीज़ अगर रियलिटी में सामने आ जाए तो फिर हम ज़्यादा उस पर खुश होते हैं। वो चीज़ का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, हम उसका स्वागत करते हैं और उसे हम वेलकम करते हैं। हमारे यहाँ कटरा में बहुत सी स्कीमें हैं जिनके ऊपर के, हमारे यहाँ कटरा में एक बस स्टैंड बन रहा था, लगभग 20 साल से वो बन ही रहा है, मैं उसके मुद्दे पे नहीं जाऊंगा। बाकी तो अगर ये नेता भी हैं, अपोजिशन का काम भी आपको करना है। बिल्कुल करेंगे साहब, बिल्कुल करेंगे। और ये भी अगर हालांकि गडकरी साहब का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और अगर ये इसे कर पाएं और ये अगर बन पाए तो मुझे लगता है कटरा के लिए एक संगे मील होगा। जल्दी बनना चाहिए, जल्दी बनना, बिल्कुल बनना चाहिए। चलिए अंतिम सवाल है, प्रधानमंत्री का दौरा होता है 24 तारीख को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली गाँव में, और उम्मीद और तवक्को ये किया जा रहा था कि बड़ी घोषणाएं होंगी, डेली वेजर्स आंख लगाए बैठे थे, उन्हें लग रहा था उनके बड़ी घोषणा हो सकती है बारीदारों के मुद्दे, ये चर्चाएं थी। अब उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की, लेकिन उससे पहले जो चर्चाएं थी वो इस तरह से चल रही थी। आपको क्या आस थी प्रधानमंत्री के दौरे पर, और जो उन्होंने कहा आपने भी यही सोचा था कि कुछ उद्घाटन करेंगे और चले जाएंगे, या फिर कुछ बड़ा ऐलान आपको भी उम्मीद थी करने जा सकते हैं? और डेली वेजर्स के मुद्दे पर राकेश बजीर जी क्या सोचते हैं, क्या परमानेंट कर देना चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर देना चाहिए? देखें इसमें कोई दोराय वाली बात ही नहीं है, एक आदमी पिछले 15 साल से काम कर रहा है, 20 साल से काम कर रहा है, 10 साल से काम कर रहा है, आप उसे परमानेंट क्यों नहीं करेंगे? देखिए सब यही तो सरकार का काम है, और आप उनके घर की हालत देखें साहब, क्या हम उन्हें दे रहे हैं, और बेचारे वो काम कर रहे हैं और इस आस में काम कर रहे हैं कि जनाब हम पक्के हो जाएंगे, हम पक्के हो जाएंगे। तो इसके बारे में तो बड़ी जल्दी घोषणा, और आप ठीक कह रहे हैं, इसके अलावा भी लोगों ने बड़ी आसें लगाई थी कि ये भी होगा, उन्होंने जो की है घोषणाएं वो भी अच्छी। क्या उम्मीद थी कि डेली वेजर्स या बारीदारों का कटरा से जुड़ा मुद्दा, आज की डेट में मैं खुद बारीदार हूँ, और हमें उम्मीद थी कि वो कुछ कहते इसके बारे में, वो उसके बारे में कुछ करते, इसी के साथ आपने डेली पहले भी कहा था, हाँ पहले भी कहा था, और डेली वेजर से मुतल्लिक कुछ कहते, मैं तो ये कि एक्सपेक्ट करता हूँ। देखें आपके माध्यम से मैं एक और आपको सारे ये लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारा एक मिशन है और वो है कि अभी तक जितनी तरक्की हुई है वो वैष्णो देवी के पहाड़ के एक तरफ हुई है, अब हमारा सारा फोकस जो है एज ए टूरिज्म, क्योंकि मैं टूरिज्म से जुड़ा आदमी हूँ और मैं होटल एसोसिएशन टूरिज्म जो हमारा बोर्ड है उसमें, अब हमारा टोटल फोकस जो है वो ये है कि माँ वैष्णो देवी के पहाड़ के इस तरफ का इलाका, और हाँ माँ वैष्णो देवी के पहाड़ के पीछे वाला इलाका,
ये दोनों यूनाइटेडली इकट्ठे और पूरी रियासी डिस्ट्रिक्ट, देखिए मैं आपको आधे ही मिनट में खत्म करूंगा। परिक्रमा की भी बात जुगल, जो पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा जी ने उठाई थी, आप उसकी भी जानकारी रखते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं। और अगर देखें, मैं आपको बात बताता हूं कि कोई आदमी रियासी डिस्ट्रिक्ट की कोई भी डेवलपमेंट की बात करेगा, हम उसे सपोर्ट करेंगे। देखें, हम उन लोगों में से नहीं हैं कि सिर्फ अपोजिशन के लिए अपोजिशन करेंगे। कोई आदमी, शिवखोड़ी, आपको मालूम है कि शिवखोड़ी में साहब 2 लाख यात्रा जाती थी, मैं होटल एसोसिएशन में था, हम दीवान साहब को लेके गए, उधर नाला चढ़ जाता था, लोग जा नहीं सकते थे, एक पुल टूरिज्म से बनवाया, दूसरा पुल बनाया, ऐड करवाई, आज 20 लाख यात्रा जा रही है, तो सारी डिस्ट्रिक्ट को फायदा है। आज नौ देवियां, धनसर, आज आपका सियाड़ बाबा, यहाँ पे आपका किला, इतना पोटेंशियल है साहब। अगर ये अगर कि आपके राजस्थान में रोड मैप सही से नहीं बन पाया, आपने कहा वहां पर कोशिशें हुई, यात्रा बढ़ी, लेकिन सही से रोड मैप, कोई अगर टूरिस्ट आए, श्रद्धालु आए, तो यहाँ पे कुछ दिन रियासी जिले में गुजारे, एक रोड मैप पूरा हो उसे, इसके बाद कहाँ जाना है, और कोड़ी ब्रिज भी अब बनने वाला है, तो क्या रोड मैप अभी तक आप समझते हैं कि सही से नहीं बन पाया है, कोई क्लियर विजन नहीं है? देखो, मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, कश्मीर जब पीक में था तो 12.5 लाख टूरिस्ट गए, सिर्फ 12.5 लाख, और यही हालत गोवा, यही हालत स्विट्जरलैंड का है, आपके यहाँ 1 करोड़ लोग आते हैं। एक बार मैं चला गया जॉर्जिया, छोटी सी कंट्री है, और मैं उन दिनों ITDC के बोर्ड में था, या ITDC जो है, जे अशोका होटल, मैं और दीवान साहब हम दोनों चले गए, तो वहाँ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, ही इज़ मिस्टर राकेश वजीर एंड ही हैज़ कम फ्रॉम ए प्लेस विच कैटर्स 10 मिलियन पिलग्रम्स इन ए ईयर, 10 मिलियन टूरिस्ट, 10 मिलियन गोवा, सेकंड नंबर इन इंडिया, और सेकंड नंबर। तो उन्होंने कहा जी वहाँ पे 1 करोड़ आदमी जाता है, तो वो कहने लगे अगर हमारे कंट्री में 1 करोड़ लोग अगर कहीं जाते हों तो हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री उसके लिए लादा बन जाए, 1 करोड़ लोग आदमी जा रहे हैं, आप सिर्फ एक दिन स्टे बढ़ा देंगे, तो साहब रियासी के लोगों को करने की ही कोई जरूरत नहीं है। और जब मैं रियासी की बात करता हूं तो रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं, आर्थिक रूप से काफी। अरे साहब आप देखते हैं 1 करोड़ लोग हमारे वैष्णो देवी में जाते हैं, कोई आदमी उधर आपको दिखता है कि किसी को काम की कमी है? आपके इधर से भमाग से इधर से सारे लोग काम कर रहे हैं ना। और अगर वही अगर कि आप अगर टूरिस्ट अगर शिवखोड़ी, रनसू, यहाँ नौ देवियां, धनसर, अगर सही तरीके से हम अगर, और सफसियाड़ बाबा अगर एक दिन हम उसका भड़ा, चंका भी एक टूरिस्ट। देखें, इसके लिए हमें एक और भाई आपके माध्यम से, मैं DC साहब से भी मिलने वाला हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिलने वाला हूँ। चंका हमारी बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन थी, ऑल ऑफ ए सडन मुझे पता चला कि उसे बंद कर दिया गया है, और ये अच्छी बात नहीं है। हम, मैं, सोहन सिंह जी और बाकी हम जो बैठे थे और सारे हमारे लोग हैं, आपके साथ हमने एक उधर का जाना है और एक दौरा लगाना है, ताकि उधर प्रॉब्लम्स हैं क्या और प्रॉब्लम्स एक्चुअल में हैं या नहीं हैं, ताकि एक हम चीज़ों को पूरा अंडरस्टैंड करके, उस एरिया के बढ़ने का बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, और उसमें अगर कोई कमियां हैं तो वो हम करवाएंगे, अगर कहीं अगर कोई अगर किसी के अगर डूबने का डर है या कोई कुछ है तो उस पर एक एक करके, क्योंकि इन जगहों पे अगर हम अगर साहब इस चीज़ को बढ़ा सकें तो मैं समझता हूँ हमारे लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और यूनाइटेडली ऐसे प्लान नहीं है, या आपके पास प्लान है, विज़न है? टूरिज़्म विभाग कहीं उनकी खामी है, प्रशासन की कहाँ खामी है अगर आज तक, क्योंकि आपने कहा कि आप जानकारियां अलग अलग चीजों की लेते रहते हैं, जो भी नई चीज आती है, कमी कहाँ रह रही है? कमी कर नहीं पा रहा प्रशासन? नहीं, प्रशासन से नहीं चाहता, प्रशासन से भी ज्यादा हम लोगों में कमी है, हम उन्हें प्रोजेक्ट नहीं कर पाते चीजों को। देखें, आज शिवखोड़ी को प्रोजेक्ट किया तो चली ना, आज अगर नौ देवियां चली, आज आपका धनसर लोग जा रहे हैं, आज अगर हम इन लोगों, क्राफ्टिंग पॉइंट की बात नहीं हुई, एक अच्छा पॉइंट है, तो हम लोगों की कमी है। देखें, मैं हाथ जोड़ के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं सबसे एक बात कहूंगा, भैया जी जब इलेक्शन आएगी सारे अपने अपने इलेक्शन लड़ना, मगर कश्मीर से हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि जब मुद्दे की बात आती है तो वो सारे इकट्ठे होते हैं, जब इलेक्शन होती है सब अलग अलग होते हैं। इधर हमें चाहे कांग्रेस, BJP, NC जो भी है, PDP, आम आदमी पार्टी जो भी है, सोशल ग्रुप, हम इकट्ठे होके इसका एक रोड मैप बना के, और जिस जिसका जो जो इन्फ्लुएंस चलता है, जो मेरा चलता है, वो सबका इसे करना पड़ेगा, नहीं तो हम एक दूसरे की अगर टांगे खींचते रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। देखें, आज ज़रूरत तो इस बात की है, इलेक्शन साहब चलती रहती हैं, कोई आदमी 3 जीत भी जाएगा, कौन सा 3 मरने हैं? लोग तो आपको तब याद करते हैं, महात्मा गांधी ने तो कोई इलेक्शन नहीं जीती ना,
मगर आज याद कर रहे हैं ना लोग, हमारे यहाँ कितने लोगों ने इलेक्शनें जीती हुई हैं, मरने के बाद तीसरे दिन को याद नहीं करता। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इस डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या कर सकते हैं, हम इन अपने लोगों के रोज़गार के लिए क्या कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इलेक्शनें आती जाती रही हैं, राकेश वज़ीर एक इलेक्शन नहीं भी लड़ेगा ना तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, सरकारें बन जानी हैं, ऐसे ही चलनी है। हाँ, अगर हम क्या कंट्रीब्यूट कर पाए हैं एज ए सोशल वर्कर, एमएलए नहीं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस 1 करोड़ की यात्रा को अगर हम आगे पीछे रोटेट कर पाए, और जैसे मैंने जब कहा ही कि पहाड़ का ये साइड और पहाड़ की वो साइड दोनों को, और रियासी डिस्ट्रिक्ट को जब हम इकट्ठा लेके चले, मांग में भी पोटेंशियल है, बहुत है। अरे साहब आप पीछे जाएं, वो तो मतलब इतनी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, आप उधर जाएंगे, अरे साड़ी आपके इसके पीछे जितना है, आप इसके मतलब आपने इधर गए और उसके आप पीछे चले गए, हम तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं पॉपुलराइज। आप उधर गए एक रास्ता, उधर से पीछे हो, पीछे गांव हो, उधर भी रहें लोग, इधर भी आए, उधर जाएं, सब के इसे करना पड़ेगा। ऐसे इसे किस तरीके से हम इसे आगे हम बढ़ाते हैं, इसके ऊपर तो कुछ काम करना पड़ेगा। शुक्रिया, धन्यवाद सर, प्रणाम, आपने इतना वक्त दिया, और अच्छे पत्रकार हैं आप, कुरेदते हैं चीज़ों को, वो और भी अच्छा है, मगर कई बार फंसा भी देते हैं। चलिए शुक्रिया। तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए रियासी ज़िले के तमाम लोगों को, तमाम नेताओं को एक होना पड़ेगा, और इसके साथ ही अलग अलग मुद्दों पर राकेश वज़ीर जी, जो कि होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटरा के प्रधान हैं, और अलग अलग जो सामाजिक कार्य होते हैं उसमें भी ये दिखते हैं, उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर हमसे बातचीत की। और बाबू जगजीवन लाल जी, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, एनसी के नेता हैं और मौजूदा डीडीसी मेंबर हैं, उन्होंने जो बंसीलाल कोहस्तानी पर अपने भाषण के दौरान, अम्बेडकर जयंती पर अपने भाषण के दौरान जो शब्द कहे थे उस पर इन्हें आपत्ति थी, और जो कमेटी है उनकी तरफ से, जो एनजीओ है और अपनी तरफ से, इन्होंने अपने विरोध को भी जताया है और ये कहा है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्हें नहीं करना चाहिए था। और बिजली क्राइसिस जो इस समय चल रहा है उस पर भी इन्होंने, जो एमडी हैं जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के और चीफ इंजीनियर हैं, उनसे बातचीत की है, और आश्वासन इन्हें ये मिला है कि आने वाले कुछ दिनों में ये समस्या जो है वो ठीक होगी या फिर स्थिति जो है वो बेहतर होगी। इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इस मुद्दे को लेकर वो सड़कों पर भी उतरेंगे, क्योंकि होटल एसोसिएशन के प्रधान हैं और बिजली ना होने के चलते पानी की भी समस्या है, और ऐसे में होटल सेक्टर के लिए भी कहीं ना कहीं कटरा में संकट खड़ा हो गया है। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।